आई एम लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 1 से लेकर 9 तारीख के सारे वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है, और अब 11 तारीख का वीडियो 11 को आने लगेगा, यानी कि डेली का वीडियो डेली डाल दूंगा मैं। इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन बन जाएगा कि डेली का एक वीडियो करंट अफेयर्स का स्टार्ट ग्रोइंग से देखना है। तो इससे आपका क्या होगा कि जो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वो सारे सारे आपके सही जाएंगे, एक भी गलत नहीं जाएगा। और बच्चे मैथ रीजनिंग इंग्लिश को तो पढ़ते ही हैं, बस करंट अफेयर को नहीं पढ़ते। और आप करंट अफेयर कवर कर लोगे तो उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो करंट अफेयर को छोड़ रहे हैं। तो करंट अफेयर को डेली की हैबिट में डाल लेना। रोज़ सुबह में 12 बजे के पहले एक वीडियो डाल दूंगा करंट अफेयर्स का। बाकी इंग्लिश के वीडियो में एक दो दिन में डालता हूँ, सारा इंग्लिश भी कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो बढ़ते हैं बस आगे आज का क्वेश्चन। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। और अक्टूबर की कुछ और डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को क्या है? विश्व शिक्षक दिवस। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। 8 अक्टूबर को क्या है? वायुसेना दिवस, ठीक है। और ये जो कब स्टार्ट किया गया था विश्व डाक दिवस, ये कि स्टार्ट किया गया था स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 को। और पहला डाक दिवस कब मनाया गया? 1969 को। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए? अभी रामनाथ कोविंद तजिकिस्तान गए हुए हैं, वहीं पर ही है, MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। और MOU की बात करें तो MOU की फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। क्या फॉर्म है इसकी? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो और वर्ड है MOA और MOC। MOA की फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और MOC की फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। अभी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी MOC साइन हुआ है इंडियन रेलवे और रशिया के बीच में, ठीक है। और डिफरेंस की बात करें MOU और MOA के बीच में, ये स्टार्टिंग में होता है और ये फाइनल हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि ये MOU ऐसे सगाई समझ लो, इंगेजमेंट, और MOA ऐसे समझ लो जैसे शादी हो गई यानी कि मैरिज हो गई। इन दोनों का एज ए डिफरेंस होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेलों में जेरेमी लाल निम्वा ने भारतीय उत्तोलन में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता। और जो स्वर्ण पदक है ये युवा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है युवा ओलंपिक खेलों 2018 से। बात करें युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर हो रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्यूनस आयरस में हो रहे हैं, जो कि कैपिटल है अर्जेंटीना की, ठीक है। किसने जीता पहला स्वर्ण पदक युवा ओलंपिक खेलों में? जेरेमी लाल निंगवा ने। और किस खेल में जीता? भारोत्तोलन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? टोटल 11 पदक जीते और उनमें से 3 गोल्ड पदक हैं, ठीक है। एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? जकार्ता में हो रहा है। और जब जकार्ता की बात होती है तो जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? वह है जकार्ता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले एशियाई पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे किए जाएंगे? ये चीन में किए जाएंगे 2022 में। और चीन के कौन से शहर में? होंगझोउ शहर में इसका आयोजन होगा। एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2022 कहाँ पर आयोजित होंगे? होंगझोउ शहर में होंगे, जो कि चीन के अंदर है, ठीक है। और आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान के फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है आप बताओ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपने उत्पाद को बंद कर दिया है? किस कंपनी ने अपने उत्पाद को बंद किया है और कौन सा उत्पाद है वो? गूगल ने बंद किया है और गूगल ने अपने गूगल प्लस उत्पाद को
बंद कर दिया है। और किस वजह से बंद किया है इसने? उसके 5 लाख यूजर्स का डाटा लीक हो गया था, इस वजह से गूगल ने गूगल प्लस को बंद कर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। बात करें गूगल और एप्पल, अभी जो ब्रांड है सबसे बेस्ट ब्रांड अभी कौन सा बन गया है? सबसे ऊपर वह एप्पल बन गया है, जो कि गूगल को पछाड़ कर ऊपर आ गया है। अब गूगल दूसरे स्थान पर चला गया है, तीसरे स्थान पर अमेजन, और जो अपनी फेसबुक है वो 9th नंबर पर है। गूगल की बात करें तो गूगल के CEO अपने पता होना चाहिए, जो कि एक इंडियन है, उनका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन, IMF ने 2019 में भारत की कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत का? 7.4% का अनुमान लगाया है, ठीक है। और IMF की बात हुई तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होने चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी इंपॉर्टेंट है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? Washington DC में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? ये नाइजीरिया में हुआ है। अब नाइजीरिया की बात करें तो वहाँ की राजधानी है अंबुज, मुद्रा है महबूद कोहरी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, नाइजीरिया की राजधानी है अंबुज, वहाँ की मुद्रा है नायरा और राष्ट्रपति है महबूद कोहरी, ठीक है। जो भारत पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन जो नाइजीरिया में हुआ है, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत से? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री CR चौधरी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु सक्षम गोरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया इसका सफल परीक्षण? पाकिस्तान, जो अपना पड़ोसी देश है, इसने इसका सफल परीक्षण किया है। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो कि इसी साल बने हैं, जो कि क्रिकेटर हैं। वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है आरिफ होलवी, जो भी इसी साल बने हैं, दोनों इसी साल बने हैं PM और राष्ट्रपति। मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया। 9th क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेलों में थांग जम तबाबीन देवी ने जूडो में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? उन्होंने रजत पदक जीता। युवा ओलंपिक खेलों की अपन पीछे बात कर चुके हैं, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है आप बताइए? ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? वहाँ की अर्जेंटीना पेशो। राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोरिशियो मेत्री, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना किस राज्य ने शुरू की? किस राज्य ने शुरू करी है ये? अरुणाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के CM है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना किसने शुरू करी बताओ? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है इसको। अगला क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है संपन्न? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और अपन को जब कमांडरों की बात हुई तो अपन को तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख का नाम हमें पता होना चाहिए। जल सेना प्रमुख है बिपिन रावत, जल सेना प्रमुख है एडमिरल सुनील तांबा और वायुसेना प्रमुख है BS धनोवा। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपने जल थल वायु के सेना प्रमुख कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अपने देश की भी करंट में रक्षा मंत्री है और ये स्वतंत्र भारत के पूर्वकालिक पहली रक्षा मंत्री है। इस वर्ड को याद रखा, पूर्णकालिक पहली रक्षा मंत्री, ठीक है। इंदिरा गांधी भी रह चुकी लेकिन पूर्वकालिक नहीं थी, यहाँ पे पूर्वकालिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया पैरा ओलंपिक खेल 2018 में संदीप चौधरी ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पहला कोई भी पदक होता है
वो किस सेल से संबंधित है, वो है जेवलिन थ्रोवर से संबंधित है। ठीक है, ऐसे पैरा ओलंपिक खेलों में संदीप चौधरी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो भी किस में जीता था, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। डेली की वीडियो डेली आने लगे, जैसे 11 तारीख की वीडियो में 11 को डाल दूंगा, वो 12 बजे के पहले आपको मिल जाएगी, तो आप करंट अफेयर्स को डेली के डेली देखना चालू कर दीजिए। इंग्लिश के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, वर्ब चल रही है, वर्ब अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब अपन स्टार्ट करेंगे, और एडजेक्टिव और नाउन पढ़ा चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स।